अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं व्यूअर्स आप? अल्हम्दुलिल्लाह, हम बिल्कुल ठीक हैं। आई होप कि आप भी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अभी ये सुबह सुबह का टाइम है और यहाँ पर जो है मैं कुरान पाक की तिलावत कर रही थी और हफ्सा जो है अपना स्कूल का थोड़ा सा पढ़ रही थी और आयरा मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। उसके बाद नाश्ता वाश्ता करने के बाद जो है हम चले गए आज पार्क, बिकॉज आज हफ्सा ने काफ़ी दिन से बोला हुआ था मुझे पार्क जाना है। अब यहाँ पर हम पार्क आ चुके हैं और पार्क बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। हमने दोपहर का खाना खा के फिर हम निकले थे और पहुँचते हमें तकरीबन जो है मगरिब होने वाली हो गई थी। और अभी आजकल जो है मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा और ठंडा होता है, जिसकी वजह से जल्द ही रात होना स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पे मौसम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जिसकी वजह से तकरीबन इतनी ज़्यादा धूप और रोशनी नहीं होती है। तो अब यहाँ पे हफ्सा को लाइटिंग देखकर हम रास्ते में आ रहे थे और हफ्सा ने कहा कि मैंने इसी पार्क में जाना है क्योंकि इसमें लाइटिंग काफ़ी ज़्यादा है और बहुत ब्यूटीफुल, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। फिर हमने सोचा कि चलें ठीक है, इसी में चलते हैं। और अब हम यहाँ पर अपनी गाड़ी को पार्क किया है। एक तो यहाँ पर पार्किंग मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हफ्सा ने ऊपर कोट पहना हुआ था, उसने वो कोट भी उतार दिया। सबसे पहले तो इसको हमने कॉटन कैंडी दिलाई, देन जो है अब ये इंजॉय करेगी। यहाँ पे तकरीबन ज़्यादातर जो है वो बड़ों के झूले थे, बच्चों के कम ही हैं। अब मैं तो यहाँ पे झूले नहीं ले सकती थी बिकॉज मेरे हाथ में बेबी थी और वैसे भी जो है मैं बहुत कम झूले लेती। हम जस्ट जो है हफ्सा के लिए आए थे कि उसके बच्चों के जो भी झूले हों वो देखे जाएँ। तो अब यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है वो हफ्सा को